हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज के दिन वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक, तो टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन के लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, मेरी हर रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक, और बता दूँ कि आज जो रीडिंग है हम करने वाले हैं कि आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। आपको पता ही है, समझदार हो है ना। तो ये है, और चलिए देखते हैं आज क्या कहना चाहते हैं। और ध्यान रखें कि मैं जैसे बोलूँगी आपको फील करना है कि आपके पर्सन ही आपसे बोल रहे हैं। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। इसके साथ ही बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बात का ख्याल रखना है आपको। और हाँ गाइज, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरा एक नया चैनल भी है, रूहिस टैरोट है ना। कम्युनिटी बॉक्स में आप लोग उस चैनल को के जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पे मैं कल तो नहीं, परसों मैं लाइव आऊँगी। ठीक है, परसों मैं लाइव आऊँगी और कोई एक टॉपिक उठा करके मैं रीडिंग करूँगी। ठीक, सो जिनको भी जो है मुझसे लाइव चैटिंग करनी है या लाइव आ करके जो है मेरे साथ कनेक्ट होना है, सो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। सो जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, ये कार्ड भी साथ में ही आया था। चलिए, जब कोई कार्ड नहीं लिया तो नहीं लेंगे। देखो अगेन ज़्यादा कार्ड्स हैं। लगता है बहुत कुछ कहना है। मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना। अब नहीं कहना है लगता है, कार्ड ही निकल रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो इतने कार्ड्स हैं मेरे पास। इनको हम बारी बारी से लगाएंगे। मैजिशियन, द मून, डेथ, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, द लवर्स। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओह, चलिए बात करते हैं। और कार्ड्स मैं निकालूंगी बीच बीच में, लेकिन अभी जो है फिलहाल हम इन कार्ड्स की बात करते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, गहरी सांस ले लीजिए और पूरे ध्यान से सुनिएगा आपके पर्सन। आपको ऐसा सोचना है कि आपका पर्सन ही आपसे बोल रहा है। ओके, सबसे पहले मेरी जान हो तुम, मेरी जानी जिगर हो तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। तुमसे दूर होने की कई बार कोशिश की, कई बार ट्राई किया, बट वही होता है, नहीं हो पाता मेरे से। सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची, नहीं हो पाता मेरे से। मैं घूम फिर के आपके करीब आ जाता हूँ, घूम फिर के आपके इतने ज़्यादा करीब आ जाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी लगता है कि जैसे खुशनुमा हो गई है। आपसे बात करके
बहुत बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। मैं आपको हमेशा कहीं ना कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ, हमेशा। आपको पता ही है कि मैं कितना रोमांटिक हूँ, कितना ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपको पता है, आपको सब पता है। याद है हम एक बार गए थे घूमने, वहाँ पे मैंने आपको किस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत सा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, उतना ज़्यादा रोमांटिक वो, उस टाइम आप ऐसे लग ही रहे थे कि मेरे अंदर वो फीलिंग्स आ रही थी, जैसे कि मैंने आपको कहीं पिक्चर में देखा हो। आप बिल्कुल उस अप्सरा की तरह हो जो कि किसी के सपनों में आया करती है, मेरे सपनों में आया करती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी, मेरे सपने में मिलती है, वही है, सपने में मिलते हो आप मुझे। खैर, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए हो और मैं भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुका हूँ। हम दोनों के बीच में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, ब्लेम करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मिले ही क्यों थे, जब हमें अलग होना ही था, हम मिले ही क्यों थे, ना मिलते ज़्यादा अच्छा रहता। यार देखो, मुझे जहाँ तक समझ में आता है ना, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो और आप भी जानते हो कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपने खुद कहा था कि तुम जितना मुझसे प्यार करते हो, जितना अटैच हो, उतना मुझे कभी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं फील हुई, और मैंने भी आपको अपनी फीलिंग्स बताई थी। मैं आपसे आज भी उतना ही प्रेम करता हूँ, उतना ही। बस कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं हमारी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं जिनकी वजह से यहाँ पे, जिनकी जेलेसी की वजह से हमें सहना पड़ रहा है। आपको दिखाने के लिए, मैंने आपको जलस करवाने के लिए एक बार किसी से बात भी किया था, और आप उस समय बहुत ज़्यादा जेलस हुए भी थे, बहुत ज़्यादा। आपने मुझसे बात नहीं की थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमारे बीच। बस वो मजाक था, उसको आपने सीरियसली ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आज भी सिंगल हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही निभाते चला आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मेरा रिलेशन किसी के साथ नहीं है। मैं आज भी तन्हा हूँ, मैं आज भी अकेला हूँ, मैं आज भी जो है इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ सोच सोच करके। मैं आज भी उस तरीके से तकलीफ़ में हो जाता हूँ, मुझे रोना तक आता है, मैं कई बार रो भी देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके बगैर कहीं भी रहूँ, आपके बगैर कहीं भी मैं रहूँ। मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं रह पाऊँगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं आपसे इतना ज़्यादा जो प्रेम करता हूँ ना, इतना ज़्यादा जो मेरे अंदर वो है फीलिंग्स आपके लिए, कि कभी 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 किसी से ऐसा अटैचमेंट नहीं हुआ, और मैं, आपको भी पता है कि मैं किसी से उतना ज़्यादा खुल के बात नहीं करता। एक आप ही थे जिससे मैं खुल के बातें करता था। हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी आ चुकी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी। हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया, उसने क्या क्या किया, सब मुझे पता है, सब पता है मुझे। क्या अब हम सब कुछ सही कर सकते हैं? क्या अब हम सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं? जिस तरीके से पहले हमारा रिलेशन था, क्या उस तरीके से हम पहले की तरह सब कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ पहले जैसा, सब कुछ पहले जैसा करना चाहता हूँ। अगर तुम राज़ी हो तो, राज़ी हो
तो बताओ। मुझे यहाँ की एनर्जी ये दिख रही है जैसे कि आपके पर्सन के अंदर काफी कुछ है, ठीक है, काफी कुछ है। डोर टू रोमांस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। मेरी दिल की धड़कने आप तक ही टिक के रह गई हैं। मेरी दिल की धड़कने सिर्फ आपके लिए धड़कती हैं, सिर्फ आपके लिए। मेरे दिल की हर धड़कन पे आपका नाम लिखा है। मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ आपका नाम जपती है। मैं जब भी सांस लेता हूँ आपके नाम से लेता हूँ। आप मेरी सांसों में बसे हो, मेरी रूह में बसे हो, मेरी तमन्ना हो आप। इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स, इतने ज़्यादा इमोशंस हर किसी के लिए नहीं आते जितने कि आपके लिए आए हैं मेरे दिल में। हम दोनों एक दूसरे के साथ काम तो करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को रोज भी मिलते हैं, लेकिन वो मिलना मिलना नहीं होता, देखना देखना नहीं होता। मैं तो सुकून से आपको देखना चाहता हूँ, सुकून के पल कुछ गुजारना चाहता हूँ आपके साथ। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ करने के लिए आपके साथ। कहीं दूर वादियों में जाना, कई हसीन सपने जो हमने देखे, मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद से ऐसा फील होता है कि अरे सपना सपना ही रह गया। मुझे पता है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। फाइनेंशियली मैं उतना ज़्यादा भी स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं आपके सपने, अपने सपने पूरे कर सकूँ। मुझे करना है, मैं ऐसा नहीं सोचूं कि मैं आपके सपने, अपने सपने अधूरे छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे मुझे तो हर किसी की किसी तरह ना किसी तरीके से सपने पूरे करने हैं। वो सपने मुझे पूरे होने ही हैं, मेरे सपने पूरे होने ही होने हैं, मुझे करने ही करने हैं। मुझे नहीं पता कैसे होगा, कब होगा, बट होगा। करना है, करना है, मैंने ठान लिया है कि मुझे करना है। सपना तो देखा है, आप मेरी एंजल हो। मुझे बैलेंस करना सिर्फ आपका काम है, और आप ही बैलेंस कर सकते हो मुझे, और कोई बैलेंस ही नहीं कर सकता, कोई भी बैलेंस नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है, मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर सके या मुझे कुछ ऐसा बोल सके। सिर्फ आप ही हो वो जो कि मुझे बता सकते हो, सही तरीके से गाइड कर सकते हो। यार सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको कभी ऐसा फील नहीं होने दूंगा शादी के बाद कि आप कभी तन्हा थे, कभी अकेले थे। रियली लव यू सो मच। चलिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस क्या हैं। देखते हैं आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। आप जो है जान जाते हो कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। दो लफ्जों में हमने लिख दी अपनी प्रेम कहानी। तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, ठीक है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लव और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। यू मेक मी फील अबॉर्ड। यू ब्रिंग पीस टू मी। एंड लास्ट कार्ड है, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन
नाइस वे, आप हमेशा इनको सरप्राइज कर जाते हो, है ना। तो ये है आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये है आपकी रीडिंग। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक आपको क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और खुश रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैं लाइव आ जाऊँ। है ना। तो चलिए करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।